नमस्कारम, आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। मोटापा रोग ओबेसिटी क्या है, कारण मोटापा होने का, और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास योग करने के लिए समय नहीं है, जिम जाने के लिए समय नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, वह इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वे लोग योग इत्यादि नहीं कर सकते, बिजी शेड्यूल है उनका, या किसी किसी का कुछ ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिसके कारण से वो योग और एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए आयुर्वेदिक उपचार, आखिर वह कौन सा आयुर्वेदिक दवा है जिससे आप निश्चित रूप से अपना मोटापा कम कर सकते हैं, अपना वजन रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ में कुछ लोग डाइटिंग ज़्यादा कर लेते हैं तो उनको पोषण की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है और चक्कर आने लगता है, तमाम दिक्कतें आ जाती हैं। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके शरीर में शक्ति भी बढ़ जाएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर में स्फूर्ति आएगी, शरीर में चैतन्यता आएगी और आपका वेट लॉस होगा, साथ में मोटापा घटेगा। जो मैं दवा बताऊंगा, अब मोटापा घटने का स्टार्टिंग दो तरीके से होता है। जैसे कुछ लोग अपना कमर का माप लेते हैं, किसी का 42 नंबर है तो वह पहले उसका घटना चालू हो जाएगा, 41 नंबर आएगा, 40 नंबर आएगा, सेंटीमीटर में है तो 90 सेंटीमीटर से 85, 80 ऐसे, और किसी किसी का पहले वेट लॉस होना चालू होता है। जब शरीर में मेद धातु कुपित हो जाता है, मेद धातु की मात्रा बढ़ जाती है और कफ कुपित हो जाता है और वायु दोष कुपित हो जाता है तो हमको मोटापा हो जाता है। हमारे शरीर में सप्त धातुएं होती हैं जिनमें मेद धातु के बढ़ जाने से मोटापा होता है। आप लोग मेद धातु को चर्बी के नाम से जानते हैं, आधुनिक बातचीत में हम लोग मेद धातु को चर्बी के रूप में मानते हैं और जानते हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि जिसको ज्यादा मोटापा है उसको किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, उनकी शरीर उनको भारी लगता है, उठना बैठना भी उनके लिए कठिन हो जाता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, और साथ में जब वजन बढ़ा रहता है तो घुटने में दर्द होने लगता है क्योंकि घुटने पे आवश्यकता से अधिक लोड पड़ रहा है। इसके अलावा वजन बढ़ जाने से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, और जब शरीर बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है तो हमारे हार्ट को ब्लड की पंपिंग करने में, रक्त का संचार करने में अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, अधिक बल लगाना पड़ता है, तो कभी कभी उच्च रक्तचाप मोटापे की वजह से हो जाता है। और मोटापा की वजह से माताओं एवं बहनों को मेनोपॉज में दिक्कत, मंथली प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब होता है मोटापा की वजह से उसका मुंह बंद हो जाता है या दब जाता है। मोटापा की वजह से ढेर सारी दिक्कतें आ जाती हैं, शुगर, लीवर में सूजन, फैटी लीवर होना, लीवर एनलार्जमेंट होना, मोटापा की वजह से ये सब छोटे मोटे समस्याएं हैं। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना कमजोर होता है कि उनको मोटापा हो जाता है, कुछ लोग का शरीर का डिटॉक्स रेट इतना ज़्यादा कम होता है कि शरीर में जो बैड सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, वो शरीर उनको बाहर नहीं निकाल पाता है तो उनको भी मोटापा हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं
जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, तो उनको भी मोटापा हो जाता है। क्योंकि हम तो खा रहे हैं बराबर, जितना भूख लगता है, जितना बचपन से खाते आए हैं, जो हमारे शरीर की कैपेसिटी बन गई है, उतना खा रहे हैं। लेकिन जब आप उसको कहीं पे उपयोग नहीं करेंगे, शरीर से श्रम नहीं करेंगे, तो वह हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होने लगता है, फैट के रूप में, चर्बी के रूप में इकट्ठा होने लगता है, तो हमारा मोटापा बढ़ जाता है। अब मैं आपको वह औषधि बताता हूं जो बनी बनाई है, लगभग थोड़ा सा आपको घर पे उसको 5 मिनट समय देके आप सुबह शाम प्रयोग करेंगे तो आपका हर एक महीने 1-2 किलो वजन घटेगा। और यह जो वजन घटेगा यह परमानेंटली घटेगा, और साथ में आपको कुपोषण या शरीर में कमजोरी नहीं महसूस होगी। पता चला कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग के बाद में उनके अंदर बहुत कमजोरी आ जाती है, तो वह समस्या भी नहीं आएगी। आपको 4 औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है मेदोवरहटी। मेदोवरहटी को आपको सुबह शाम खाली पेट 2 टैबलेट लेना है, गुनगुने जल के साथ में। गुनगुने जल के साथ में नहीं ले सकते हैं तो आप ताजा पानी के साथ में लीजिए। अब इसके अलावा जो 3 औषधियां हैं उनमें है त्रिफला चूर्ण और गिलोय और लौह भस्म। इन 3 चीजों को आप सुबह खाली पेट प्रयोग करेंगे। अब गिलोय पे आप ध्यान दीजिए, गिलोय यदि जिनके यहाँ गिलोय का पौधा है तो उसका उनको डंठल लेना है, उसका जो स्टीम होता है, जो लकड़ी होता है, जो डाली होती है, उसको लेना है। और जिनके यहाँ गिलोय का पौधा नहीं है वो मार्केट से गिलोय स्वरस या गिलोय चूर्ण ले सकते हैं। यदि गिलोय चूर्ण है तो गिलोय चूर्ण 1 चम्मच और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। और ध्यान रहे जो ग्लास हो या जो बर्तन हो वो या तो प्लास्टिक का होना चाहिए या तो फिर कांच का या चीनी मिट्टी का। वैसे कांच और चीनी मिट्टी अधिक अच्छा है, प्लास्टिक क्या है थोड़ा दूषित पदार्थ है, तो मैं प्लास्टिक का लास्ट ऑप्शन के तौर पे आपको बताऊंगा। गिलोय चूर्ण 1 चम्मच और 1 चम्मच आप त्रिफला चूर्ण रात को भिगो दीजिए। प्रातः काल उसको आप 15 मिनट तक हल्के आंच पे पकाएं, और हल्के आंच पे पकाकर जब वह गुनगुना रह जाए तो उसको छन्नी से छान लीजिए दूसरे बर्तन में, दूसरे ग्लास में, उसमें 1 चुटकी लौह भस्म डाल दीजिए। लौह भस्म किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, या इसको सुबह सुबह प्रत्येक दिवस आप पीजिए। जब आप ऐसा करना चालू करेंगे तो 3 से 4 महीने में आप 15 किलो तक वजन निश्चित तौर पे घटा लेंगे। इसके अलावा अगर इसके साथ में जो लोग योग अभ्यास कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डाइटिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। पर नहीं भी कर सकते हैं तो इतना तो जरूर करें, जिनके पास समय नहीं है, व्यस्त हैं, जिनके पास समय नहीं मिल पाता है योग और डाइट के लिए और एक्सरसाइज के लिए, वो इतना तो जरूर करें, अपने लिए 5 मिनट का समय दें। साथ में कुछ छोटे से सावधानियां मैं आपको बता देता हूं जिनको आप परहेज भी कह सकते हैं। जैसे प्रातः काल जल्दी उठें और पानी गुनगुना पानी पिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, और पानी सिप सिप करके पिए, और शाम के समय भोजन थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करें, और शाम के समय का भोजन कुछ हल्का लें, और शाम के समय फल का प्रयोग ना करें, और दिन में आप जब नाश्ता करते हैं कि तो नाश्ते की जगह पे किसी फल का प्रयोग करें, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए, शरीर डिटॉक्स होने लगे। और साथ में शाम का भोजन हल्का करें आप लोग। दिन में एक बार का नाश्ता या भोजन पे आप ये ध्यान दें कि या तो वह कोई फल होना चाहिए या फिर
कोई हल्का सा जैसे लाई वगैरह हो गया, जो हल्का भोजन हो सके, जूस हो गया, कोई नींबू पानी का जूस, कोई भी जूस। तो यही सब आपको ध्यान देना है। साथ में मैंने कई लोगों से सुना है, वीडियो भी देखा, लोग बता रहे हैं कि आप सुबह सुबह नींबू और गुनगुना जल लीजिए, उससे आपका वजन कम हो जाएगा। कुछ लोग बता रहे हैं आप लोग जीरा, कच्चा जीरा सुबह शाम खाली पेट सेवन करिए, उससे भी वजन कम हो जाएगा। दोस्तों यह बात सही है, वजन कम हो जाएगा, लेकिन ये नींबू और जीरा कुछ लोगों को चलता है, कुछ लोग को नहीं चलता है, वह शरीर की प्रकृति के हिसाब से है। जैसे नींबू जो है वह शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ाने वाला है, एसिड की मात्रा बढ़ाने वाला है और पित्त को बढ़ाने वाला है। अर्थात जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, जिनके ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है, एसिड बढ़ा हुआ है, वह नींबू का लगातार सेवन नहीं कर सकते। और वही बात जीरा की, जिनका रक्तचाप अधिक है, उच्च रक्तचाप है, जिनको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी जीरा का प्रयोग नहीं कर सकते अधिक मात्रा में, अर्थात एक चम्मच की मात्रा में। इससे कम आप लेंगे तो वेट लॉस होगा नहीं इन चीज़ों से। तो इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि आप जो भी करने जा रहे हैं क्या वह सब कर सकते हैं। आप YouTube के अधूरे ज्ञान पे मत जाइए, जिनको पूरी जानकारी नहीं है बता दे रहे हैं आप, चलिए ठीक है, गुनगुने पानी के साथ में नींबू हर रोग प्रत्येक दिवस लीजिए, सुबह सुबह दोनों समय लीजिए। कुछ लोग बता दे रहे हैं आप जीरा लीजिए, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। दोस्तों मैंने जो आपको यह आयुर्वेदिक औषधि बताया है, यह सब ले सकते हैं और सबके अंदर रक्त की मात्रा बढ़ाएगा और बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, आपके शरीर में डिटॉक्स का दर बढ़ाएगा, जिससे आपकी बॉडी में जो बैड सेल्स हैं उनको वह हटाएगा और शरीर में स्फूर्ति जगाएगा। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और कोई भी कंडीशन नहीं है, यह निरापद औषधि है और हमारे प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है। आप इसका सेवन जरूर करिए। और इसका क्या रिस्पांस मिलता है, इसका क्या रिस्पांस है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे बताए गए औषधियों से आपको यदि पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छा, यदि किसी कारणवश पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, जानकार से संपर्क करें, अथवा मुझसे कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का दे दूं। अगला वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि मोटापा कम करने के लिए घरेलू उपचार क्या है और उसको हर एक मौसम में कैसे प्रयोग किया जा सकता है और उसमें परहेज क्या है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।